हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो गाइस, आप सबको तो पता ही है कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और आप सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी उसकी तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं राखी बनाकर वीडियोस का शेयर कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि स्वीट, सबसे ज़रूरी चीज़ तो स्वीट है राखी के बाद, तो स्वीट क्यों ना घर में बनाई जाए। आप सब तो जानते ही है कि इस समय मार्केट का कुछ भी खाना सेफ नहीं है, तो घर पे ही होममेड ही कुछ बनाया जाए स्वीट में। तो मैंने बिल्कुल सिंपल, जो घर में जो इंग्रेडिएंट है उन्हीं से मैं बनाऊंगी, और सिंपल सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप देखिएगा कि मैं कितना अच्छा स्वीट बना के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं गारंटी कहती हूँ कि फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देखेगा उसके दिल को छूने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें कहीं भी कोई मिलावटीपन नहीं है, बिल्कुल जो दिल की आवाज़ होती है। कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते बिल्कुल दिल से जुड़े होते हैं, जैसे मैंने फादर्स डे पे दिल से किया, वैसे आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे मेरी कुछ बातें, कुछ सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगी। और सबसे पहले तो चलिए स्वीट बनाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 4 भाई हैं और 2 भतीजे हैं, और मैं हर साल राखी पे अपने घर चली जाती थी, लेकिन इस बार मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं। इस वजह से मैं बहुत इमोशनल हूँ, और वो लोग भी, मैं इसलिए और जाती थी कि अगर वो आएंगे तो 1 या 2 आएंगे मेरे, इसीलिए मैं चली जाती थी, मैं चारों को एक साथ राखी बांध पाऊँ। और मेरे 2 सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्यूट से भतीजे भी हैं। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, मैं इमोशनल और हो जाऊं। तो चलिए पहले स्वीट बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद और सारी बातें आपसे करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना स्वीट बनाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये हेल्दी स्वीट बनाने के लिए मिल्क को गैस पे चढ़ा दिया है, और ये 1/2 लीटर मिल्क है, और ये नॉर्मली जो घर पे मिल्क आते हैं वो है। और आप इसकी जगह, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं। और मैं इंग्रेडिएंट आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट लग की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट से ये बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, और इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, क्योंकि हमें मिल्क को बिल्कुल खोआ बनाना है, तो खोआ और रबड़ी बनाने में टाइम तो लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, और मैं, मुझे आपको दिखाना है, इस वजह से मैं आपको ये जल्दी जल्दी बना के दिखा रही हूँ। आप ऐसा मत करिएगा, आप स्लो आंच पे इसको जल्दी जल्दी करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे मिल्क में कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, आप मत ऐसा करिएगा, मुझे आपको दिखाना है, इस वजह से मैं तेज करके कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी स्लो करके से छोड़ देती, आराम से अपने काम करते रहती। इसे उसी वक्त चलाना ज्यादा आवश्यकता है इसको, जब ये एकदम सूख के थोड़ा सा रह जाता है, तभी इसे ज्यादा जरूरत होती है चलाने की। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना सारा बॉयल आ रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स, और इस स्वीट की खासियत मैं बताऊं, सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसे कभी भी बनाकर आप प्रसाद के रूप में, आप व्रत रहते हैं तो खा सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये शुद्ध है घर पे बना हुआ, और इसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट भी नहीं डल रही है जो हम न व्रत में यूज करते हो। तो फ्रेंड्स, ये हेल्दी स्वीट आप जरूर बनाइए, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अपने काम और भी कर रहे हैं तो मिल्क को चढ़ा दीजिए, अपना खोआ उसको देखते रहिए, अपना खोआ बनते रहेगा, धीरे धीरे स्लो करके छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना तेज इसमें बॉयल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद थोड़ा ये सूख जाता है तब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी ये खोआ बिल्कुल सूख गई है, बस थोड़ा टाइम और है इसमें। इसी स्टेज पे जब ये खोआ इतना सूख जाए तो हमें शुगर इसमें ऐड करना है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, आप शुगर, अगर नॉर्मल शुगर जो भी आप लेते हैं, अगर वो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, शुगर फ्री अगर आप यूज करते हैं तो वो शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब नॉर्मल शुगर ही आप डाल सकते हैं, आजकल तो शुगर फ्री जो यूज करते हैं वो शुगर फ्री मिठाई खाना चाहते हैं तो वो शुगर फ्री भी इसमें डाल सकते हैं आप जो भी, और नहीं बिना शुगर के बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं ऐसा।
लेकिन मिठाई तो स्वीट नाम ही है इसका, स्वीट तो शुगर तो होगा ही। हाँ ये है, अगर जो लोग शुगर कम यूज करते हैं वो अपना थोड़ा सा शुगर यूज करके इसे बनाए, लेकिन खाए स्वीट है तो थोड़ा तो शुगर। ये खोआ बिल्कुल मेरी सूख गई है। अब इस स्टेज पे हमें इसमें थोड़ा सा मेरा घर का बना हुआ है, आपका जो बना हुआ देसी घी होता है वो डाल दीजिए। देसी घी डाल देने से ये नीचे लगेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये भुन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। और अब आप सोचेंगे कि मैंने इस आधा लीटर खोआ में कितना शुगर यूज किया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्पून है, इस स्पून से मैंने दो भर के इस्तेमाल। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी ये खोआ बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, और हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्रिड नहीं करना है। ये पक चुकी है बिल्कुल अच्छे से, और ये अभी गर्म है इस वजह से मैंने गैस ऑफ कर दिया। आप ऐसे ही आप देख सकते हैं, जब बिल्कुल ये ऐसे सूख जाए तो हमें इसे बंद गैस को ऑफ कर देना। और अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके लड्डू जैसे बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे जमा भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर बनाते हुए कर दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने वो खोआ निकाल कर उसी तरह इसे बिल्कुल मसलना नहीं है, उसी तरह गोली बना बना कर मैंने ये सेब की मिठाई तैयार की है। आप जिस भी हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितनी हेल्दी टेस्टी स्वीट बनाई। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, आप भी बनाइए, खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, बिल्कुल घर का ताज़ा बना हुआ फ्रेश। हाँ तो फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ आधे लीटर मिल्क में, सिर्फ आधे लीटर मिल्क में आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, गिन सकते हैं आप भी, 5 6 7 8 9 10 11 11 पेड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कितने किफ़ायती हैं ये, और घर के बिल्कुल ताज़े कितने अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, तो फिर देर किस बात की, इसे बनाइए, खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। और फ्रेंड्स, बाहर की कितनी भी अच्छी अच्छी मिठाई आ जाए, लेकिन अगर घर का ये शुद्ध बना हुआ आप खुद खाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तो तैयार हो गई, और अभी मुझे और भी बहुत सारे काम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, बनाइए, खाइए, खिलाइए मेहमानों को। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ी रक्षाबंधन, जो साल भर का इतना प्यारा फेस्टिवल होता है, उस पे बात कर लेते हैं। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मैं सॉन्ग स्टार्ट थोड़ा हाँ तो फ्रेंड्स, मैं सॉन्ग स्टार्ट करती हूँ। इसी समझो ना, इसी समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना पावन महीना है ये साल, भैया खा लो मिठाई बहन आई है, भैया खा लो मिठाई बहन आई है। आप देख सकते हैं कि ये मेरी यमी मिठाई और राखी, कुछ राखियाँ अभी रेडी हुई हैं, अभी मुझे और भी बहुत सारी स्वीट्स और राखियाँ बनानी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, और आप सबके पास भी टाइम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ बातें, इतना राखी का पर्व इतना
साल भर का पर्व और भाई बहन का सबसे अगर कहा जाए तो भाई बहन के प्यार का ये बंधन है। और साल भर में सबसे प्यारा जो त्यौहार होता है वो ये राखी रक्षाबंधन ही होता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं भाई बहन के रिश्ते पे कुछ प्रकाश डालती हूँ। भाई छोटा हो या बड़ा, भाई छोटा हो या बड़ा, हम बहनों की शान होता है, उनका रक्षक होता है। बहन जहाँ भी रहेगी अपने भाई की सलामती ही चाहेगी, और भाई भी जहाँ भी रहेंगे वो भी चाहेंगे कि मेरी बहन हमेशा अच्छे से रहे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये ऑलरेडी इतना वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो बस कुछ ही बातें, आगे भी तीज पड़ेगा, मैं उस पर कुछ बातें भाई बहन के रिश्ते पे कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स ओके, बाय बाय, टेक केयर, रक्षाबंधन एंजॉय कीजिए। और चलिए देखते हैं मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।